हेलो व्यूअर्स, मैं अभिषेक आपका स्वागत करता हूँ बुल्स वर्सेस बियर्स ट्रेडिंग एकेडमी में। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जो सपोर्ट एंड रेसिस्टेंसेस दिए गए हैं वो आज के इंट्राडे में कैसे काम आए, और एनालाइज करेंगे निफ्टी को अगले दिन के लिए यानी 23 सितंबर के लिए। पहला एक डिस्क्लेमर देख लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे वीडियो को। तो पिछले वीडियो में ये लेवल्स दिया था मैंने, 10,732, 10,800, 10,690 एंड 10,655। मैंने पहले ही मार्क करके रख चुका था, वो लेवल्स थे 10,800, 10,732, 10,800, 10,732, 10,690, 10,655। चलिए देख लेते हैं निफ्टी का मूवमेंट हमारी सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस पे। तो हम लोग फ्राइडे के दिन यहाँ पर खुले इस कैंडल के हाई के पास, खुलते ही सीधा नीचे आए। नीचे हमारे सपोर्ट लाइन के पास आते ही ऊपर गए, ऊपर हमारे रेजिस्टेंस के लाइन के पास जाते ही फिर नीचे आए, फिर हमारे सपोर्ट से सपोर्ट लिए, फिर जब इसको तोड़ दिए एक बड़ा सा मूवमेंट आया जो पिछले 10 सालों में नहीं देखा गया। ये देखिए इसका मूवमेंट, ये मूवमेंट था करीब 630 पॉइंट्स का। हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने ये न्यूज़ दिया कि कॉरपोरेट टैक्स घटाने की। ऐसी बड़ी मोमेंटम पिछले 10 सालों में कभी भी नहीं देखा गया। जब इसने इसको ब्रेकआउट दिया, आप यहाँ पर देखिए, कॉन्सेंट्रेट यहाँ पर कीजिए, जब इसको ब्रेकआउट दिया आप यहाँ पर एक लॉन्ग ट्रेड ले सकते थे। अगर आपने इस कैंडल पर एक लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट कर दिया तो सोचिए आपका प्रॉफिट्स क्या होते एंड ऑफ द डे। ये जो अपमो आया है ये पूरा एक्सपेक्टेड ही था, पर ये एक्सपेक्टेशन नहीं था कि ये अपमो को पूरा एक ही दिन में ख़त्म कर देगा। मैं सोच रहा था कि ये धीरे धीरे से यहाँ तक आ जाए 10,400 तक और फिर ये इसका डाउन मूव शुरू होगा, पर जब ऐसा शार्प अपमो आया तो अब ये डिसाइड करना मुश्किल गए कि ये कल से नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा। कल के लिए मेरे पास जो लेवल्स है वो है 11,380 का, 11,212, 11,110। तो देखेंगे निफ्टी क्या करता है अगले ट्रेडिंग सेशन के लिए। आप ये लेवल्स को नोट कीजिए, अगर बाय चांस भी ये नीचे इस इन लेवल्स पे आता है और बाइंग दिखाता है तो फिर लॉन्ग ट्रेड को ही इनिशिएट करना पड़ेगा। ये जो इतना ऊपर मोमेंटम आया है ये एक ही दिन में ख़त्म नहीं होगा, 2-3 दिन तक मार्केट ऊपर रह सकता है। अगर ये मोमेंटम स्लो था, अगर इसका मोमेंटम स्लो था और धीरे धीरे ये ऊपर आया तो कन्फर्मेशन था, कन्फर्म कर सकते हैं कि ये नीचे जाएगा। पर जिस तरीके से ये अब ऊपर आए हैं अब ये कहना मुश्किल है कि कल से ये नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा। वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।